हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष, वेलकम टू आय सूत्रा। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपनी जो डिस्कशन है वो लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें मैं बात करूंगा अभी हमारे देश में एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट आती है हर साल, जिसे हम बोलते हैं एसर रिपोर्ट, जो कि रिलीज करी जाती है प्रथम एनजीओ के द्वारा। एसर रिपोर्ट बेसिकली अगर आप समझें नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में तो इसको बोलते हैं एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये 2020 की ये रिपोर्ट अभी आई है। इसमें बोला गया है कि जो 20% जो गांव के क्षेत्रों के बच्चे हैं उनके पास अभी तक भी कोई टेक्स्ट बुक, कोई किताब, कोई पढ़ने के लिए ऐसी किताब नहीं अवेलेबल है जिससे कि वो अपनी स्टडी जो है वो आगे परसू कर सकें, आगे अच्छे से पढ़ सकें। आंध्र प्रदेश की ही अगर आप टोटल सिर्फ बात करेंगे तो लगभग 35% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टेक्स्ट बुक है, बाकी जो बचे लगभग 65% बच्चे हैं उनके पास आप सोचिए टेक्स्ट बुक ही नहीं है, तो वो पढ़ेंगे कैसे। उसके बाद अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 60% बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है, बाकी 40% होगा क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद अगर आप देखेंगे लगभग 98% जिन बच्चे जो बच्चे हैं उनके पास जो टेक्स्ट बुक है, वेस्ट बंगाल, नागालैंड और असम, यही तीन एक ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स, जहां पे लगभग आप बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा परसेंटेज है जो बच्चों के पास किताबें अवेलेबल है, यानी कि वहां की सरकारें अच्छे से काम कर रही है। तो ये ऐसे ही दूसरे जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि वो भी अपने स्टेट्स पे एजुकेशन का जो एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके रखें, जिससे कि वहां के बच्चे जहां पे लगभग 60% बच्चे जो छूटे जा रहे हैं, आउट ऑफ द लाइन जा रहे हैं, उनको वापस ट्रैक पे लाने की जरूरत है। उनको कैसे सही से अच्छे से एजुकेशन दी जाए ये सारी चीजें इंश्योर करने की जरूरत है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तीन में से लगभग एक बच्चा जो कि गांव का है उसके पास कोई भी जो लर्निंग एक्टिविटी का कोई भी माध्यम नहीं है, मतलब वो ना स्कूल जा रहा है ना उसे ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे जो सर्वे हैं, ये सारे जो डोर टू डोर सर्वे किए जाते हैं उस बिहाफ पे ये सारी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन में हमारा देश कितना ज्यादा लैग कर रहा है। आज की डेट में भी 21st सेंचुरी में भी इतना लैग करना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो भी हैं उन सभी को इस विषय पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि तीन में से सिर्फ दो ही ऐसे, मतलब एक जो रेशियो है 3:2 का जो रेशियो है जिसमें आप देखेंगे बच्चों के पास कोई लर्निंग मटेरियल है ही नहीं। उसके बाद 10 ऐसे जो है ओनली 1 in 10, मतलब कि 10 में से सिर्फ एक बच्चा है जिनको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जब से लॉकडाउन लगा है ऑनलाइन क्लासेस का इतना ज्यादा ट्रेंड है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास बेसिकली स्मार्टफोन की भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास ये इतना पैसा नहीं है कि वो उनको स्मार्टफोन अवेल करा सके, तो उन बच्चों का क्या होगा। आप सोचिए 10 में से सिर्फ एक बच्चा ही ऑनलाइन पढ़ पा रहा है, बाकी 9 का क्या। तो ये सारे जो क्वेश्चन मार्क है, बड़े क्वेश्चन मार्क है जो कि एसर रिपोर्ट हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर लगाती है। वहीं अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि हमेशा टेक्नोलॉजी में ही हम लैग करते रहे, लेकिन इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि हर तीसरा बच्चा जिसके पास स्मार्टफोन इवन अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है उसके बावजूद उसके पास लर्निंग मटेरियल नहीं आ रहा है, तो ये और भी दिक्कत की बात है। कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि बच्चे इस लेवल पे हैं, उनके पेरेंट्स इस लेवल पे हैं कि हाँ चलो ठीक है, कहीं ना कहीं करके अफोर्ड करा दिया कि चलो स्मार्टफोन ले लो चलाओ, लेकिन अब उन बच्चों को वो ऑनलाइन जो कंटेंट है, जो स्टडी के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनका कोर्स है, वो भी ऑनलाइन अवेल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो भी स्कूल्स हैं वो सब ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट तभी उपलब्ध करा रहे हैं जब स्कूलों को फीस जो उनके पेरेंट्स के द्वारा दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं ये एक और खतरनाक स्थिति बनी हुई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेंटर ने हालांकि कई स्टेट्स को परमिट किया है कि वो अपने स्कूल्स को रीओपन कर सकते हैं, जबकि कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से खोलें, बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं और जो क्लास में है सारी बच्चों को एक साथ ना बुलाएं, आधी स्ट्रेंथ को बुलाएं, आधे स्ट्रेंथ को दूसरे दिन बुलाएं, इस तरीके से बच्चों को मैनेज करें। लेकिन अगर आप देखेंगे जो कंट्री की हमारे देश में जो 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी घर पे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर लॉकडाउन से अब तक लगभग 7 महीने का समय बीत चुका है, उसमें आप देखेंगे तो ये
कहीं ना कहीं बच्चे जो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव से होते जा रहे हैं। इनएक्टिव से मतलब मेरा ये है कि आप देखिए ना कि ऑनलाइन बच्चे घर में कितना पढ़ सकते हैं, कितना वो ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे, उनका कोई फिजिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रहा है प्रॉपर, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, और वो हो गए हैं बोर। वो स्कूल में आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे स्कूल में जब वो फिजिकल लर्निंग करते हैं बच्चों, टीचर क्लास में होता है, फिजिकली वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, कोई भी इशू होता है तुरंत पूछते हैं, उसके बाद स्कूल में जब रहते हैं वो वॉशरूम जाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सारी चीजें ना होने की वजह से बच्चे काफी ज्यादा एक तरीके के स्ट्रेस में और फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे स्कूल्स जो कि पैंडेमिक के बाद से जो कि बंद है गांव के क्षेत्रों में, वहां पे तो सिर्फ इवन जो बच्चे हैं सिर्फ मार्जिनल जो बहुत कम टीचर्स हैं वो उनको अवेलेबल हैं जो उनको पढ़ाई करा सकें, इसलिए वहां के जो पेरेंट्स हैं जो उनके गार्जियंस हैं बच्चों के वो भी बहुत ज्यादा परेशान है इस बात से कि जब अब कोविड 19 के बाद हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। तो दोस्तों ये सब चीजें ऐसी हैं जहां पे हमारी सरकार को स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों को मिलकर काम करना होगा, जिससे कि सभी बच्चों तक सुलभ और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पहुंच सके। अगर आप देखेंगे अनसेटलिंग फाइंडिंग जो कि एक एसर रिपोर्ट 2020 में दी गई, उसमें बोला गया कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को प्लान करना चाहिए रिमेडियल मेजर्स, मतलब कि कैसे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कैसे दोनों लोग मिलके अपनी जो एक एजुकेशन पॉलिसी है उसको एक अमलगमेट करें, इंटीग्रेटेड वे में बच्चों के लिए एक अट्रैक्टिव लर्निंग क्लासेस अफोर्डेबल वे में लेके आए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन और जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं पार्शियल ऑफलाइन तरीके से वो एक बैलेंस बना सके, मतलब कुछ चीजें जो ऑनलाइन पढ़ी जा सकती हैं वो घर पे पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें घर में, और जो चीजें ऑनलाइन नहीं करी जा सकती हैं इजीली, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह या फिर एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज, तो इन सब के लिए आप ऑफलाइन पार्शियल ऑफलाइन ऑन कर सकते हैं, जिसमें बच्चों को स्कूल में बुला के वहां पे पढ़ा सकते हैं, उनको वो चीज समझा सकते हैं, जिससे कि वो उनका एक जो अट्रैक्शन है स्कूल वाला, जो एक उनकी जो होती है किसी बच्चे की ऑनलाइन ऑनलाइन के बाद एक जो फिजिकल लर्निंग की वो पूरी होती रहे, क्योंकि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो दूसरी एक्टिविटीज है खेलना कूदना घूमना डांस करना, अलग अलग बच्चों की एक हॉबीज होती है, उन सब पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब एसर रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है अपनी रिपोर्ट में कि कैसे सरकारें बच्चों के लिए एक आने वाले टाइम में बेहतरीन गाइडलाइंस पॉलिसी बना सकती हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और एक उनका जो पढ़ाई से एक जो इंटरेक्शन है वो अच्छा बना रहे। उसके बाद एसर रिपोर्ट जो आई है 2020, उसमें लगभग 26 स्टेट्स को कवर किया गया है और 4 यूनियन टेरिटरीज को कवर किया गया है। सस्पेंशन ऑफ फिजिकल क्लासेस जो कि सस्पेंड कर दी गई थी क्लासेस, आप देखेंगे लॉकडाउन मार्च जब में हुआ था तो तब से जो लॉकडाउन के बाद से अभी तक क्लासेस सस्पेंड चल रही, इनकी वजह से आप देखेंगे कई बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे जो नए क्लास के बच्चे हैं उन्होंने इनफैक्ट एनरोल तक नहीं कराया, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब पुराना हमारी जो क्लासेस हैं वो ही नहीं रिज्यूम हो रही है तो आगे आने वाले क्लास में इवन जाने का क्या फायदा। इवन पेरेंट्स गार्जियंस भी यही सोच रहे हैं कि ये साल तो चलो गया ही गया तो इसमें अब बच्चे को या तो रिपीट करवाओ या तो फिर अगले क्लास में डालो, तो इससे अच्छा है बेहतर है कि जब ये क्लास में बच्चे पढ़ नहीं पाए तो फिर उनको रिपीट कराना बेहतर। यही रीजन है कि बच्चे ज्यादा एनरोल नहीं करा रहे हैं नए क्लास में जाने के लिए, जबकि ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को नॉर्मली पास कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है, उसके बावजूद ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी एक जो उनकी थिंकिंग है वो ये सोच रहे हैं कि बच्चों का जो पढ़ाई का जो लॉस हुआ है वो चलिए एक साल लॉस हो गया वो दिक्कत नहीं, लेकिन वो फिर से एक साल अगर पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें कवर करी जा सकती हैं। यही रीजन है ना एनरोल कराने का। अगर आप देखेंगे ये जो ड्रॉप आउट का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो नॉर्मली स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उनको ज्यादातर पेरेंट्स और गार्जियंस जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि कैसे बच्चे को विड्रॉ करा लें स्कूल से और उनको घर पे ही जब ऑनलाइन ही पढ़ना है तो फिर उनको स्कूल में फी पे करने की जरूरत क्या है। और यही रीजन है कि आप देखेंगे जो नॉर्मली आपके घर में भी होंगे बच्चे होंगे, मेरे भी घर में बच्चे हैं, तो वहां पे बच्चों के अंदर एक ये थिंकिंग डेवलप होती जा रही है कि अरे ऑनलाइन है टेस्ट होगा तो टेस्ट में तो हम कहीं ना कहीं देख के कर लेंगे अच्छे से कर मतलब मार्क्स भी ले आएंगे, तो वो जो एक तरीके का उनका जो एक पढ़ाई का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आउट ऑफ ट्रैक चला गया है, जिस वजह से आपको ये चीज मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताऊं तो चीजों को
रेगुलेट करने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है, जिससे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को एक प्रॉपर वे में आगे ले जाया जा सके और बच्चों को वही चीज दी जाए जिससे उनका मैक्सिमम आउटकम निकल के आ सके। तो दोस्तों ये सारी मैंने आपको एक ब्रीफ पॉइंट्स कुछ बताए एसर रिपोर्ट के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।